देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटना लगातार जारी है। हर राज्य की सरकार स्पेशल ट्रेन के जरिए मजदूरों को उनके राज्य भिजवा रही है, लेकिन इसी बीच कर्नाटक सरकार के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने मजदूरों की कमी को रोकने के लिए ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया है और बिहार आने वाली 3 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रवासी मजदूरों के लिए 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करते हुए अपील की है कि वो कर्नाटक में ही रुक जाएं, अपने घर ना जाएं, क्योंकि प्रदेश में निर्माण और औद्योगिक काम शुरू होने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने कर्नाटक की बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में अप्रवासी मजदूरों के साथ कर्नाटक में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। वहां बिहारी कामगारों के साथ एक बंधुआ मजदूर गुलामों की तरह सुलूक किया जा रहा है, बिहार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए कहा कि वो अप्रवासी मजदूरों को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ा संदेश दें और बिहार की सरकार अपने अप्रवासी मजदूरों को सही सलामत अविलंब बिहार लाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर गुरुवार को 23 स्पेशल ट्रेनें बिहार आ रही हैं। इन ट्रेनों में लगभग 25,000 मजदूर और छात्र बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे। न्यूज डेस्क।